तो नेहा, अब मैं जनता को बताना चाहूंगा कि आज जो हमारे साथ हैं वो है नेहा पांडे और ये विशाल पांडे की बहन है। और सबसे पहले नेहा जी, स्वागत है आपका। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था, जो भी चीजें टीवी पर आपने देखी और ये जो भी चीजें हुई उस पर आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था और आपका क्या रिएक्शन है उस पर? नहीं, मेरी फैमिली ने जब देखा, मैंने तो देखा नहीं। सबसे पहली बार जब वो एयर हुआ तो मैंने बोला ये अवॉइड करूंगी तो ये मेरे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि अगर मैं वो देखती तो मैं टूट जाती, और मैं टूट जाती तो फिर हमें संभालने के लिए तो फिर कोई होता ही नहीं। तो मेरे डैड तो बहुत गुस्से में थे, मैं गुस्से में थी, पर माई मॉम वॉज क्राइंग क्राइंग क्राइंग, शी वॉज ओनली क्राइंग। वो 2 दिन, सैटरडे संडे, वो उन्होंने बात नहीं किया है। वो जब विशाल लाइव आया मंडे और विशाल को उन्होंने देखा, विशाल यस को देखा कि वो स्ट्रांग खेल रहा है, तो मैंने मम्मी को समझाया, मम्मी इफ ही इज प्लेइंग स्ट्रांगली तो अपने वो स्ट्रांग रहना ही होगा, दैट्स इट। और बाहर भाविन ने ये बात खुद अपने मन से मतलब बोली है कि हम इसको लीगल एक्शन लेंगे और जो भी चीजें लीगल तरीके से होती है वो हम करेंगे। तो क्या आप भी उसमें साथ दे रहे हैं भाविन का? सी आई टेल यू, लीगल लीगल ही जाना चाहिए, कोई भी चीज में लीगल ही जाना चाहिए। अब वो मेरे डैड और जो भी हमारे इधर के हैं, मतलब डैडी हैं, मेरे हस्बैंड हैं और जो भी है, वो देखेंगे। बिकॉज अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अगर भाई खेलना चाहता है वहां पे घर में, उसके साथ ये चीज हुई है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, और ये लीगल वीगल उसके बाहर आने के बाद देखनी चाहिए चीजें, व्हाट मतलब ही टाइप ऑफ वांट्स। मतलब टाइप ऑफ क्या आप इंडिकेट कर रहे हो कि बाहर आने के बाद लीगल एक्शंस के चांसेस हैं? आई एम टेलिंग कि विशाल जो कहेगा, अगर विशाल बोलेगा नहीं चलो ओके जाने दो, अब ठीक है, जो अंदर हुआ वो अंदर हुआ, अरमान ने माफी मांग ली है, ये वो, बिकॉज आई नो माई ब्रदर यार, ही इज लाइक दैट, बोल देगा वो, छोड़ो जाने दो, आई नो बट हिम। मेरा एक सवाल ये भी था, जैसे मैं जब एपिसोड देख रहा था, और हम सब एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर अपने को धक्का भी लगेगा या कोई हाथ भी उठाएगा तो बदले में रिफ्लेक्स एक्शन तुरंत होता है, हाथ उठता है। बट इस केस में विशाल वॉज लिटरली स्टैंड, वो हाथ गाल पे रख के एकदम शांति हो गए और उसके कुछ सेकंड के बाद उनका रिएक्शन आया। तो क्या कहना है इस पे आपका, क्योंकि पलट के विशाल भी हाथ उठा सकते थे। ऑब्वियसली उठा सकते थे, कब, जब वहां पे एकदम एग्रेशन वाला तू तू मैं चलता होता, या एक बॉडी टू बॉडी आते हैं ना जब दो जन, तब वो होता तो विशाल भी देता। बट जब विशाल अपने आप को एकदम इनोसेंट एकदम एक्सप्लेन कर रहा है, और अरमान आए, शिवानी को बाहर भेजा, मेरा भाई ने सोचा नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे वायलेंस नहीं हो सकता, एंड ही वॉज शॉक्ड 10 मिनट के लिए, उसके बाद वो जो तड़पा है, एंड थैंक्स टू साई ऑल्सो, साई पीछे कुछ भी बोले मेरे भाई के लिए, पर वो टाइम उसने वो चीज की, आई एम थैंकफुल, या क्योंकि साई उनको लेके गए खींच के। बट मतलब जैसे वो पूरा इंसिडेंट था और बहुत वो जो चीजें हुई, क्या आपको लगता है सारी चीजें प्लान थी? क्योंकि सबसे पहले कटारिया ने बोला, जैसे अरमान ने उनको बोला था कि अगर मेरे भाई अगर अरमान ने उनको बोला था कि अगर तेरी बंदी के साथ या तेरी माँ बहन के बारे में कोई ऐसा बोलता तू क्या करता, इसका कटारिया बोलते हैं सीधे रैप्टे। और उसके बाद कट टू अरमान जो है वो बोलते भी हैं कि बस अभी इसको वही पढ़ेंगे, बस चाय पी लेंगे, और बाहर जाके वो शिवानी को बाहर निकालते हैं और लिटरली विद इन सेकंड्स वो भी जाता है। तो क्या आपको लग रहा है इसमें कटारिया भी कुछ हद तक शामिल है, कटारिया की वजह से चीज हुई, या ये चीजें प्लान थी ऑलरेडी? कटारिया सी, कटारिया के मन में क्या चल रहा था आई डोंट नो, ठीक है, उसके मन में क्या चल रहा था, और मुझे नहीं लगता यार कटारिया ऐसा चाहेगा, मुझे ऐसा लगता है, जेन्युइनली बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं चाहेगा। बट हाँ, वो भी शॉक्ड हो गया था, वो भी ट्रॉमाटाइज हो गया था कि यार मैं इसका साथ दूंगा ना तो अब मैं भी बाहर बुरा दिखूंगा और घर में तो बुरा दिखूंगा ही। बट एक बात थी मेरे दिमाग में, जैसे मैं बिग बॉस देख रहा हूँ, ये कटारिया का एक मोटिव, कटारिया डे वन से कहते हैं कि भाईचारा मेरे लिए सबसे पहले है, दोस्ती मेरे लिए सबसे पहले हाँ, वहां पे तो नहीं है देखा, ना। जबकि सना मकबूल ने बात बोली भी कटारिया के मुंह पे कि तेरे से मैंने इतनी बार पूछा घर के अंदर, तू खुद अपने दोस्त को बोल रहा है कि नहीं इसका स्टेटमेंट गलत था। तो उस पर आपका क्या कहना है? वहां पे लव कटारिया बहुत गलत थे, बहुत 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 गलत थे। पर जब विशाल ने, पायल जी आए थे, जब विशाल ने अपना स्टेटमेंट बोला था, तब विशाल ने पहली बार यही बोला था, भाभी सुंदर है, सुंदर लगती है, यस तुरंत पायल ने रिप्लाई दिया, नहीं, भाभी अच्छी बहुत लगती अच्छी लगती अरमान, है। हाँ भाभी बहुत अच्छी लगती है, और अरमान जी ऐसा कृतिका के लिए बोला गया है,
यस ऐसा स्टेटमेंट दिया, तो लव बाजू में बैठा, लव ने, विशाल ने भी वही चीज सोची कि मैं अपने भाई को जानती हूँ और सेम एज का लव भी है वहां पे, ठीक ऑलमोस्ट है। तो एक होता है ना कि बॉयज की होती है दिमाग में कि यार अब, और लव को खेलनी है गेम, और मेरे को दिख रहा है लव खाली गेम के लिए है फैक्ट वो भाईचारा, शायद उसके लिए वो सेकंड पे आ गया है, पर उसके गेम के लिए, विच इज ठीक है, उसने गेम के लिए दोस्ती बनाई है, इट्स ऑल राइट, इट्स हिज चॉइस। बट फिर ऐसे फेक मत करो, मतलब इतना मत करो कि मेरा भाई आप में इतना ज्यादा हो जाए कि वो आप बेफालतू का आपके लिए स्टैंड लेता बैठे। बट बिग बॉस ने तो ऑलरेडी क्लियर कर दिया था, जैसे डे वन पे जब दोनों साथ में आए थे, 9 मिलियन और 1.8 मिलियन वाला जो मुद्दा हुआ था, उसके बाद मैंने खुद विशाल के कमेंट सेक्शन में देखा है जो चीजें लिखी गई थी, कुछ तो गालियां भी थी जो शायद बोल भी नहीं सकते, बट कट टू उसके बाद इनकी दोस्ती दिखती है और अब दोबारा से वही चीज हो रही है। अब तो कटारिया के कमेंट सेक्शन में वो सारी चीजें लिखी जा रही है जो विशाल के कमेंट सेक्शन में लिखी गई, तो माहौल थोड़ा सा बदल रहा है घर का इस समय। इट्स ऑल कर्मा, आई बिलीव इन कर्मा। कल जो मेरे भाई को गाली दे रहे थे, आज उसका साथ दे रहे हैं। आई बिलीव कि मैंने ये कोड भी मेरे इसमें डाला है, जो अगर भगवान, अगर दर्द दिया है खुदा ने, तो मलहम भी वही लगाएगा। बिल्कुल तो क्या बात है, जो मेरे भाई को दर्द मिला है, वो उसके लिए वहां स्टैंड ले रहा है, विच इज गुड, और वो वहां एज अ गर्ल लड़का गया था, एज अ मैन बाहर आएगा, आई होप क्या बात सो। है। और मेरा एक ये भी सवाल था, जैसे पायल इस समय बाहर बाहर बहुत सारी मतलब यही बातें कर रही है बाहर आके कि लोगों ने मुझे नेगेटिव दिखा दिया, मुझे गलत दिखा दिया, अब अपनी फैमिली का सपोर्ट करना गलत है क्या? उन्होंने पहला स्टेटमेंट तो ट्विस्ट किया, लेकिन घर के बाहर आने के बाद उन्होंने दोपहर को 3:30-4 बजे के आसपास एक वीडियो अपलोड किया जिसमें विशाल ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भैया भाग्यशाली भाग्यशाली भैया, इस पे आपका क्या कहना है? आप क्या कहेंगे भैया भाग्यशाली नहीं है, मैं एज यू, आपसे आप भी एक पॉइंट लड़की है ऐसी, आई हाँ नो मैं आप। अभी मैं हाँ इस चीज पे मैं क्लियर कर देता हूँ। इस चीज को बोलने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो भैया भाग्यशाली जो आप ऑलरेडी समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और एक भैया भाग्यशाली यानी कि भैया की दो दो बीवियां हैं, भैया सच में भाग्यशाली है। इसके दो पॉइंटर्स हैं, तो आपको क्या भैया लगा इस बारे भाग्यशाली में? है, कृतिका जैसी एक अच्छी लड़की अब तक मुझे जो लग रही थी, मुझे बहुत पसंद थी कृतिका, मुझे ऐसा हाँ लगता था कृतिका को भी टॉप 5 में जाना चाहिए। ही इज अ चुलबुली, किसी के पीछे बात नहीं करना, एंड स्ट्रेट अवे मैं अपना गेम खेलूंगी, मेरा पति अपना गेम खेलेगा। तो विशाल को क्यों नहीं अच्छी लग सकती, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं पसंद कर सकती हूँ। विशाल नहीं पसंद कर सकता, कटारिया नहीं पसंद कर सकता, रणवीर जी क्या बात नहीं करते उससे, सब बात करते, सब बिल्कुल, पसंद करते लेकिन हैं। मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहूंगा ये भैया भाग्यशाली वाले स्टेटमेंट में ही, जब विशाल बोलते हैं उसके बाद कटारिया चीज बोलते हैं कि अब मैं समझ गया तो क्यों बोल रहा है भैया भाग्यशाली, तो ये जो स्टेटमेंट था ये मतलब आपको क्या लगता है ये किस बेसिस पे था? भैया भाग्यशाली हैं, मैं भी मानती हूँ, ठीक मैं है। और ये अगर आपका ये स्टेटमेंट, अगर मेरे भाई ने ना उस वे में दी होती, जो सब बोल रहे ना उसके फेस के एक्सप्रेशन अलग था, एंड कटारिया क्या समझेगा, उसको गेम भी नहीं समझ रहा, उसका दोस्त खुद उसको नहीं समझ रहा, वो क्या समझेगा। ये तब समझता जब कटारिया विशाल को समझ सकता, हाँ जी उसका स्टैंड ले पाता। दोस्त ये नहीं होते कि मतलब दुखी में चले गए और खुशी में आ गए, नहीं, मेरे भाई ने निभाया है। तो कटारिया वहां पे, सी वहां पे सिंपल है, कटारिया ना विशाल बोल देता था, कटारिया चल रे ऐसे कर देता था बस, क्योंकि मैं, विशाल ना दिमाग से नहीं खेलता, वो दिल से, और वो एक होता है ना चुलबुल और मस्ती वाले गेम से करता है। और अगर विशाल को लगा भी कृतिका इज ऑलराउंडर, और ये अरमान को, जैसे अरमान विशाल जरा नहीं पसंद आता अरमान को, जी ठीक है, बिल्कुल और विशाल ने ये बोला होगा किसके हाथ आ गई है बेचारी, क्लियर एंड कट। बिल्कुल। और मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगा कि आपको ऐसा नहीं लगा जब कन्फेशन रूम में बुलाया गया दीपक को, रणवीर को, लवकेश कटारिया को, तो थोड़ा सा बायस था क्योंकि मैंने खुद उस पर वीडियो बनाई और मेरा सबसे पहला सवाल तो यही था कि असलियत में रणवीर जी विशाल को पसंद ही नहीं करते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो रणवीर जी को आपने बुलाया तो जाहिर सी बात है वो विशाल के अगेंस्ट ही बोलेंगे, तो उस समय आपका क्या रिएक्शन था, फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था जब रणवीर जी की बातें सामने आई कि ये स्पेशल आप, केस करना चाहिए, स्पेशल मैं आपको एक केस चीज, देना चाहिए? बोलती हूँ, हाँ आप जी रणवीर जी की छोड़ दीजिए, सबको छोड़ दीजिए। घर के अंदर जब बिग बॉस ने सबके हाथ में ये स्पेशल केस वाला दे दिया, विशाल के साथ कौन है घर में, रणवीर जी छोड़ दिए, वो तो रणवीर जी के लिए ले, उनको अंदर ले गया, और 3 जन घर के अंदर विशाल के साथ कोई नहीं है, मकबूल बिल्कुल एंड नेजी, और बिग बॉस ने उनको अंदर बुला लिया, ये स्पेशल केस है, फिर ये जाके बाहर बताएंगे ये वो।
केस तो फिर भैया बाहर बहुत स्पेशल केस बन रहा है और बहुत मीम बन रही है स्पेशल केस पे। बट घर से इनको बाहर नहीं निकाला गया, उस पे आपका क्या कहना था? ये तो बहुत गलत था, मतलब बिग ये बॉस ने उनके हाथ में छुरी दे दी जो खुद क्रिमिनल है, बिल्कुल उनके हाथ में दे दी कि विशाल को कौन अरमान को रखना चाहता है। अरे अरमान तो छुरी लेके वहां खून नहीं कर रहा है पर बटरिंग जरूर कर रहा है, वहां बटरिंग कर रहा है वो बिल्कुल, सबको। क्योंकि जब थप्पड़ भी मारा गया तो उसके बाद एक धक्का था जो कि बहुत जोरदार था, बहुत जोरदार था, बहुत। और भी जैसे आपने कहा क्रिमिनल वाली बात, तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं इनकी जो कि मैं ऑलरेडी खोल चुका हूं, मैं उस चीज पर ऑलरेडी बात कर ही रहा हूँ। सेम ईयर बट क्या आपको लगता है कि बिग बॉस को ऐसे लोगों को यानी कि अरमान मलिक जैसे लोगों को मौका देना चाहिए जिसके ऊपर पॉस्को का एक्ट चल रहा है, जो कि ये जो तीसरी शादी कर चुका है जिसमें से इसकी दूसरी शादी कृतिका मलिक के साथ लीगल भी नहीं है, पायल मलिक इनकी लीगल वाइफ है और साथ ही साथ मजबूरी में अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं ये भी कहा जा सकता है पायल के साथ, प्लस ये सुसाइड करने जा रहे थे जो किस लिए, इनका रीजन सिर्फ इतना था कि इनको पुलिस से नेगोशिएशन करवाना था, 17 घंटे का वो इन्होंने नाटक किया है पूरा, इन्होंने ब्लॉग बनाया था उसका। तो क्या ऐसे लोगों को बिग बॉस को मौका देना चाहिए जो सोसाइटी को इस तरीके की सीख दे रहे हैं कि आप दो शादियां करिए, हिंदुस्तान का हर मर्द दो शादी करना चाहता है? करेक्ट, ऑब्वियसली नहीं देना चाहिए। आप मीडिया तक, आप सोशल मीडिया तक आ गए, क्योंकि बिग बॉस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इट्स अ ह्यूज बिल्कुल प्लेटफॉर्म जहाँ बच्चे बुड्ढे फैमिली सब कुछ देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये इन्होंने की है, मैंने 3-4 केसेस और देख लिए जहाँ पे अब एक लेडी दो हस्बैंड के साथ आ रही है, अब एक मतलब अब ये होने लगेगा, आई एम टेलिंग अब ये यस होने लगेगा, ठीक है। बिल्कुल बट आई थिंक ये नहीं करना चाहिए था, पर क्रिएटर्स, आई होप क्रिएटर्स समझ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, आई होप दैट, ठीक क्योंकि है। अभी मतलब हाँ जी हाँ जी जो भी इन्होंने घर में लाया वो तो सही नहीं है। आई मीन आप पूरी फैमिली घर में ला दे रहे हो बिग बॉस। देखिए, हाँ अभी आपने जो फैमिली वाली बात बोली ना, पॉइंट मेरे सामने थोड़ा सा क्लियर हुआ। मेरा सवाल तो बहुत क्लियर है कि क्या किसी मैरिड वुमेन को सुंदर दिखती है बोलना गुनाह है? आपका क्या कहना है इस पे? फिर तो आई थिंक पुलिस स्टेशन में लाइन लगी होती एफआईआर जैसे अभी की। आपने खुद कहा कि आप मैरिड हैं, अभी अगर मैं आपको बोलता हूँ आप सुंदर लगती हैं और मैं आपको बोलूँ कि आप अच्छी लगती हैं, दोनों थैंक में यू, कितना डिफरेंस हो जाएगा आप सोच के देखिए। मेरे लिए सेम रहेगा, अच्छी लगती भी है सेम वे में, ठीक है, अच्छी लगती है मुझे, सुंदर लगती है। जब आप सुंदर तभी किसी को लगोगे जब उसको अच्छी लगोगे, बिल्कुल, अब क्या क्या ही गलत कह है, सकते हैं, जिनका बैकग्राउंड ही उस तरीके का हो उनको समझा के कोई मतलब भी नहीं है। सी सी आई टेल यू वन थिंग, दिमाग, जिनका दिमाग गंदा है ना तो उनको जो देखते हैं ना वो भी गंदा ही दिखेगा हर चीज। आगे अगर कोई और कंट्रोवर्सी होगी तो मैं तो कुछ भी नहीं करूंगी मेरे भाई के लिए, क्योंकि ये लोग लाते रहेंगे, क्या मैं पूरे महीने यही बैठी रहूं करते हुए। बट मुझे सच में ऐसा लगा कि अरमान का ये जो गुस्सा था ना, ये सिर्फ कृतिका के लिए नहीं था, इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू मैं भी जानना चाहूंगा। थैंक यू, अरमान का ये गुस्सा पूरी तरीके से पायलप हुआ था, अरमान ने इसके पहले विशाल को कंटेंट पे छेड़ा कच्चा बादाम बोलते हुए, अरमान ने ही नाम दिया कि चल रोटी बना काम वाला, उसके बाद मच्छर है, तो ये सारी चीजें करते हुए अरमान को वहां मौका नहीं मिला विशाल पे चढ़ने का, और ये एक ऐसी चीज हो गई जो कि परिवार वाली बात थी तो इनको मौका मिल गया चढ़ने का। तो आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि पूरा पायलप हुआ गुस्सा था ये? जो अपनी पहली वाइफ के लिए, और ये मैं पायल के लिए सच्ची बोल रही हूँ दिल से, जो अपनी वाइफ के लिए स्टैंड नहीं ले सका और दूसरी शादी कर लिया, वो सेकंड वाइफ के लिए क्या ही स्टैंड लेगा, और वो भी मेरे भाई से जिसकी कोई वाइफ ही नहीं अभी। इसको थोड़ा सा वैसा वर्षा कर दीजिए, मैंने यही मेरे लाइफ पे बोला था कि पायल जो कि यहाँ पे अपनी फैमिली का स्टैंड ले रही है, जहां पे उनको असलियत में स्टैंड लेना था वहां तो लिया ही नहीं, अगर ले लिया होता तो पति आज साथ में होता उनकी करेक्ट करेक्ट, उसपे तो एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये पायलट था, आई एम टेलिंग यू ये पायलट था, क्योंकि अगर आपके साथ, चलो शॉर्ट टेम्पर हुआ, अपने आप को गुंडा समझते हो आप घर में राजा, अपने आप को शेर समझते हो कि मैं कैप्टन बनूंगा, ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, सबको नौकर समझते हो आप, चलो आप इतने गुस्से वाले। जब विशाल अनिल जी गए बाहर घर से, जब विशाल एक्सप्लेन करने आया, भाभी मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरा भाई जेन्युइनली उनको समझा रहा था, आपने तब क्यों नहीं खींच के दे दिया, बिल्कुल तब क्यों नहीं, आप यहाँ परमिशन ले रहे हो घर वालों से, क्योंकि यू नो दैट कि मेरे को एक जो मैं करने वाला हूँ उस पे मुझे ना सहमति चाहिए थी, कि मैंने सबसे पूछी थी। ये सब गेम और क्या प्लस खेल रहे हैं यार सबको ये। भड़का रहे थे कि तुम्हारे साथ भी हो सकता है, इसके साथ हो सकता है, उसके साथ हो सकता है,
लेकिन आपने एक चीज नोटिस की कि इस पूरे मामले में विशाल ने बोला कृतिका के बारे में, जबकि कृतिका आराम से घूम फिर रही है, चाय पी रही है, और भाई अरमान भाई एकदम आगे जाके हीरो बन गए। I'm telling you, अगर ये बोलते हैं ना कि मेरी, जैसे ये अपनी बीवियों के ही इस पे खेलते हैं, ये रियल लाइफ में भी और इन बिल्कुल बिग बिल्कुल, बॉस ऑल्सो, जिस बंदे ठीक का है, कंटेंट ही दो बीवी हो क्या बोलेगा यार उसके आगे। वहां पे अगर विशाल को जहां पर वो लगाया होता ना तो भी वो जस्टिफाई नहीं था, पर ये था कि ये बिल्डअप, हाँ अपनी वाइफ के लिए इन्होंने एक होता है स्टैंड, उसके बिल्कुल लिए एक्शन बिग बॉस लेते, वो जो भी होता पर जस्टिफाई नहीं होता, पर ये चाय पी के आराम से और ये तरीके से गया जेब में हाथ डाल के अंदर कि मैं बात करने आया हूँ, और क्योंकि विशाल चाहता था कि मैं एक्सप्लेन करूं तो एक्सप्लेन करता, अभी मैं बैठी हूँ और आप बैठे हो और मैं अचानक आपसे बात कर रही हूँ, आपको मैं लगा दूं तो आप तो सोच नहीं पाओगे बात क्या है, मतलब मैं खाया क्यों मैंने इस चीज पे, ठीक है, नहीं तो मेरा भाई भी मुंह तोड़ के आता, क्या भले बात है। आप मेरे को ऐसा आप दो खाओ पर आप एक दे के तो आओ जरूर। ये तो मतलब उसूल है यार, मैं खुद मतलब देख जब एपिसोड एज अ व्यूअर जब मैं भी देख रहा हूँ तो मेरे मन में यही था कि भाई अरमान मलिक मेरे जैसे बंदे बहुत ज्यादा डिजर्व करता है कि जो तुरंत मतलब दे दे, वो बात की बात, जो होगा देखा जाएगा वैसा। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे वीकेंड के बार पे भी, दो वीकेंड के बार गए, दोनों के दोनों वीकेंड के बार पे पॉइंटर बोलने नहीं दिया जा रहा है विशाल को, और जब बोल रहे हैं तो अनिल कपूर का बहुत ज्यादा डिमीनिंग मैनर हो रहा है, बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। इवन एल्विश ने भी यही मुद्दा उठाया कि भाई अनिल कपूर जी इनको बोलने नहीं दे रहे हैं, उल्टा भड़क जा रहे हैं विशाल पे, चिल्ला के बात कर रहे हैं उससे। तो इस करेक्ट, पे आपका क्या कहना है? एक्चुअली सबसे पहली बात तो ये हाथ उठाना घर के अंदर, घर के बाहर, मेरा भाई यहाँ पे भी अगर कोई मार देता ना तो हाँ ठीक है वो देता, पर हम FIR करते क्योंकि ये पुलिस के हाथ में जाना चाहिए, गुंडा वाला चीज हम नहीं करते, और घर के अंदर तो होना ही नहीं चाहिए था, इस पे अनिल कपूर जी को मतलब मजनू मजनू बन गए थे वो, मुझे उनका मूवी है शायद आपको याद होगा, ए चश्मा निकाल के मुझे तो मजनू भाई दिख गए थे वहां पे बिग बॉस में, लेकिन कि जिस वहां पे तरीके से, उनकी हाँ पूरी एक्टिंग बाहर आ गई, और ये जी मतलब एक होता है ना कि आप चलो होस्ट कर रहे हो पर होस्ट में होस्ट तो मत हो, अच्छा, ये भी आपने होश वाला मुद्दा उठाया, आपको क्या लगता है अगर यहाँ पे सलमान, मेरे को तो सच में ऐसा लगा अगर यहाँ सलमान खान होते तो विशाल को सच में जस्टिस मिलता जो वो चाहते थे, अगर तो इस पे सलमान आपका जी क्या होते कहना है? ना, आई टेल यू वन थिंग, जब विशाल जा रहा था ना तो मैं ऐसी थी, हाँ इस बार सलमान भाई नहीं है तो यार वो क्या बैंड बजाते हैं, सब पहले डरते हैं कि वीकेंड के वार पे क्या होगा, पर मैं रिग्रेट कर रही हूँ, काश सलमान भाई होते, और बिग बॉस उनको रखो, आप क्या ही रखोगे, मतलब उनके ऊपर है कि आना है कि नहीं आना है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, बट मतलब सच में मेरे को ऐसा लगा एपिसोड देखने के बाद, क्योंकि जैसे कंटेस्टेंट थी प्रियंका जग्गा, सलमान यस खान ने अपने बलबूते पे उनको निकाला था बिग बॉस के घर से कि करेक्ट, भाई अगर ये कलर्स पे काम कर रही है मैं दोबारा नहीं तो करूंगी मैं कलर्स के साथ काम नहीं करूंगा, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। ये चीज अनिल कपूर भी कर एक्चुअली सकते थे, लेकिन वही है थोड़ा सा और बोलते हैं ना, सलमान कि अपने आप पे खान है सलमान कॉन्फिडेंस, खान। हाँ करेक्ट, सलमान भाई भाई है तो वो कोई जगह नहीं ले सकता, आई एम टेलिंग यू कोई प्लेस नहीं ले सकता, हाँ कोई कोई जस्टिफाई कर सकता है वो प्लेस को, पर सलमान जी के जैसा कोई नहीं हो सकता बिग बॉस का होस्ट, बिल्कुल ठीक है, और विशाल के साथ तो यार डे वन से टारगेटिंग वाली चीजें चल रही है, एंड आई होप अगर मेरे भाई के साथ इतना इनजस्टिस हुआ है ना अंदर तो उसके साथ जस्टिस हो, और वो एक ट्रॉफी अपने हाथ में लेके आए, क्योंकि उसने वो ट्रॉफी के लिए सोशल मीडिया पे इतने बड़े नेशनल टीवी पे उसने झापड़ खाया है। होप सो वो ट्रॉफी जीते हैं। बट मेरा आपसे एक और सवाल है कि जैसे विशाल फिलहाल घर में अच्छा खेल रहे हैं, आपने बोला डे वन से उनको टारगेट किया जा रहा है, और इवन विशाल अकेले भी कभी कभार दिखते हैं, कभी कभार अपने दोस्तों के साथ दिखते हैं, और कल तो उन्होंने अपनी दोस्ती का पेबैक भी किया चक्की पीस के कटारिया को बचाने के लिए, तो ये तो लोगों को पता चल गया कि असली दोस्त कौन है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि कौन कौन है जो आगे चल के विशाल के लिए थोड़ा सा थ्रेट हो सकते हैं, या फिर यू कह लो कि विशाल को ये लोग जानबूझ के हेट देने की कोशिश करेंगे? आई डोंट नो, पता मुझे तो अब ऐसा लगता है कि विशाल एक होता है ना वेल स्पोकन, और आपकी पता है मुझे ऐसा लगता है अरमान का डर भी है, होता है ना इनसिक्योरिटी, उससे यस डर, उससे वो साफ साफ दिख रहा है, तो मैं बोलती हूँ कि 10 नहीं घर के अंदर 15 चले जाए, अगर जो इंसान स्ट्रेट अवे बोलता है ना वो वैसे ही बोलेगा, वो अकेले जी लेगा खा लेगा, पर जो स्ट्रेट अवे है वो बोलेगा ही बोलेगा, तो मुझे
थ्रेट तो हमें तो पता है, वो विशाल अंदर है अरमान के साथ, तो हमारे लिए वो पूरी एक महीना ही हमारे लिए एक ट्रॉमा है कि कब क्या हो जाएगा विशाल के साथ, या ये कब क्या कर देगा यार, आई स्वेर। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं यार, विशाल के साथ इस समय जो सोशल मीडिया सपोर्ट है वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल का है। मैं देख रहा हूँ, मतलब इवन गौहर खान ने भी, जो कि खुद बिग बॉस के विनर रह चुके, उन्होंने भी डाला था कि किसी मैरोडमन को सुंदर बोलना गलत है क्या, उन्होंने खुद डाला था। इवन राजीव दातिया सपोर्ट में, तो हाँ, ऐसा पर तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं एक चीज पे लड़ी, सुंदर है पे मैं अपने भाई को करेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद पायल जी ने एक सेकंड चीज ला दी, ये बोल के क्या था, भैया भाया नहीं, भैया भाभी भैया शायद से बोलते हैं। भाईशाली, ठीक है। अब उसको ठीक अच्छे वे में, अभी ना नेजी का वीडियो आ रहा है मेरे पास, बहुत सारी वीडियोस नेजी लोग भेज रहे हैं, नेजी के वीडियो भेज रहे हैं कि जहाँ पे नेजी ने शिवानी को कोई कमेंट, आज बॉम्ब लग रही है समथिंग ऐसा कुछ बोला है, ठीक यस, हाँ है। बोला है। अरे नेजी भाई ने अब क्या दिल खोल के और दिमाग खोल के दिखा दे, मेरा प्योर इंटेंशन है। अरे नहीं हो सकता यार, ये एक लेकिन वही अपना बात थीम है होता ना, है एक्शन का, एक अपना तरीका होता है, अपना एक लैंग्वेज होता है जो हम बम्बैया बोलते हैं, और है हम बॉम्बे से, इट्स अ स्लैंग, व्हाट्स और रॉन्ग इन दैट। बिल्कुल, मतलब बॉम्बे हम लोग का बात करने का तरीका ही वैसा है। अभी आपको अगर उसमें बुरा लग रहा है, आप दिल्ली से हो, आपका लिंगो, आपका स्लैंग और आपकी भाषा अलग हो सकती है। अब आप हर लाइन पे हाँ जी हाँ जी तो नहीं कर सकते, आपके साथ भाई नहीं करेक्ट, हो पाएगा अपने से। हाँ नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। और जहां चार दोस्त बैठेंगे वहां मस्ती मजाक होगी, और विशाल दोस्तों में रहा है, उसकी लड़कियां फ्रेंड है, उन लोग ने जोक क्रैक किया। अरे मैं भी उस ग्रुप में, भाई के ग्रुप की ही मैं भी हूँ, मैं शादी होने के बाद भी उसके ही ग्रुप में बैठती हूँ, हमारा ग्रुप ही एक ही है जहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं। बट आई टेल यू, विशाल से कभी किसी ने इनसिक्योर, मतलब एक होता है ना सेफ्टी जैसा, कोई इश्यू ही नहीं हुआ, नहीं तो कोई आती ही नहीं। समीक्षा 4-5 साल से उसके साथ, यस, एक समीक्षा तो लड़की अभी से भी ज्यादा, हाँ मतलब एक लड़की सपोर्ट से कर रही ज्यादा है। इंटेंशन कौन समझेगा गंदे लड़कों का। एक चीज है कि देखो, लड़कियों को ना बहुत बेहतरीन पहले ही पता चल जाता है कि इंटेंशन क्या है, चाहे कोई भी हो, कैसा भी लड़का हो, उसके बाद से उसके टच से क्लियरली पता इट्स चलता कॉल्ड है। सिक्स सेंस, जो भगवान ने लड़की जब जन्म लेती है ना तभी दे दिया रहता है। लेकिन अब इस घर में अगर इनको उस चीज पे मुद्दा ही बनाना था तो क्या ही हाँ कर सकते हैं। चंद्रिका जी है ना, मैं बैठूंगी नहीं, मैं बैठूंगी नहीं, तो आप घर से बाहर चली जाइए, नहीं बैठेंगी तो। हम तो नहीं चाहते थे हमारा बच्चा बाहर आ जाए, पर उसको खेलना है इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं खेलना बहुत जरूरी है विशाल का, ऐसे हाँ ऐसे ऐसे समय पे उनका खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब वो कहते हैं ना कि एक बात है कि मैं उसी जगह से जीत के आऊंगा जहां लोग मेरे हारने का इंतजार कर रहे हैं, तो अब देखते हैं, अच्छे का ही इंतजार करते हैं, अच्छे का ही वेट करते हैं। फिलहाल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके नेहा जी। मैं आपसे एक चीज खाली मांगना चाहूंगा, मैं जैसे ये इंटरव्यू एंड करूंगा, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, आपने बात बाय। करी, और उम्मीद मैं यही करूंगा कि जब अगली बार आपसे बात हो तो विशाल आपके बगल में हो, ट्रॉफी आपके साथ में हो और अच्छे तरीके से बात कर पाए हम, और इवन जान पाए इस मुद्दे पे, क्योंकि मैंने तो क्लियरली बोला है, जैसे मेरी भाविन से बात हुई और बाकी जिन भी लोगों से बात होगी, मैंने क्लियरली स्टेट किया है कि अरमान मलिक या उनकी फैमिली से जब भी मेरी बात होगी मैं इस मुद्दे पे जरूर बात करूंगा और पूछूंगा, खास यस करके कि आप जो ये बात कर रहे हैं कि मेरे घर की दीवारें बहुत पक्की हैं, मैं नजर और नीयत में बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ, तो जब आप दूसरे अपने ही बीवी के बेस्ट फ्रेंड पर नजर डाल सकते हो तो आप नियत और इंटेंशन की बात ही मत करिए, सबसे पहली चीज। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू।